आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी ने झारखंड में चुनावी बिगुल फूंका, कहा अभी जो देखा ये ट्रेलर है, अभी तो 5 साल की पूरी फिल्म बाकी है। जमियत उमेला ए हिंद ने की पाकिस्तान की निंदा, महमूद मदनी बोले जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। सपना से अगवा किसान डकैत बबुली कोल को फिरौती देकर छूटा, 100 घंटे बाद भी पुलिस कुछ ना कर सकी। कमलनाथ कैबिनेट में हुए कई अहम फैसले, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलेगा 10% आरक्षण। और धूमधाम के साथ निकले गणपति के यान, जल्दी आने की प्रार्थना के साथ हुआ विसर्जन। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल फूंका है। रांची में पीएम मोदी ने किसान मानधन योजना सहित कई विकास योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने सोचा था कि वो कानून अदालत से ऊपर हैं, वो आज जमानत की गुहार लगा रहे हैं। आप यही सरकार देखना चाहते थे ना? पीएम ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे पूरे 5 साल की फिल्म बाकी है। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किसानों को पेंशन का कार्ड भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि झारखंड गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाओं के लिए लॉन्चिंग पैड है। हमने यहां से आयुष्मान भारत, किसानों से जुड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के वक्त मैंने आपसे कामगार दमदार सरकार देने का वादा किया था। बीते 100 दिन में देश ने ट्रेलर देखा है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने का। इस पर काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए हैं। हमारा फोकस जम्मू कश्मीर में विकास करने पर है, आतंक को बढ़ावा देने वालों को कड़ा एक्शन करने पर है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने सोचा था कि वो कानून अदालत से ऊपर हैं, वो आज जमानत की गुहार लगा रहे हैं। आज देश में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, वो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते। जिन लोगों ने सोच लिया था वो देश के कानून से भी ऊपर उठ चुके हैं, देश की अदालतों से भी ऊपर हैं, वो आज अदालत से जमानत की गुहार लगा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इसी तरह तेज काम करने वाली सरकार देखना चाहते थे ना? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने कामगारों, व्यापारियों, किसानों को पेंशन की योजना दी। जो देश को बनाता है उनका सम्मान हमारी सरकार कर रही है। आज यहां से नए जलमार्ग की शुरुआत हुई है, जिससे झारखंड सीधे दुनिया से जुड़ पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का संसद सत्र आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम करने वाले सत्रों में से एक रहा। कई अहम बिल भी पास हुए जिनसे इतिहास रचा जाएगा। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज के मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन किया। इसके शुरू होने के बाद जलमार्ग से लोग सस्ती दरों पर माल की ढुलाई कर सकेंगे। ये ढुलाई बांग्लादेश, म्यांमार समेत कुछ दूसरे देशों से भी हो सकेगी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान मुसलमानों के धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच जमियत उलेमा ए हिंद ने बैठक में प्रस्ताव पास किया है कि जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है। जमियत उलेमा के महमूद मदनी ने कहा कि हमने आज एक संकल्प पारित किया है जिसमें कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भारत हमारा देश है और हम इसके साथ खड़े हैं। मदनी ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के मुस्लिम देश के खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान की इस कोशिश का विरोध करते हैं। महमूद मदनी ने जब सरकार द्वारा असम में NRC लागू कराने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जी ये चाहता है कि मैं डिमांड करूं कि सारे मुल्क में कर लो, पता चल जाएगा कि घुसपैठिए कितने हैं।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा बौखलाहट पाकिस्तान को हो रही है। वह इस मुद्दे को उलझाने के लिए हर स्तर पर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत से सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया है। हम कोई इफ एंड बट नहीं लगाना चाहते। हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हम भारत के हम भी भारत का हिस्सा हैं और जहां भारत है वहीं हम हमारे देश के साथ। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए हैं। राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% तक आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरकार ने मध्य प्रदेश कर्मचारी बीमा सोसाइटी गठित करने का निर्णय लिया है। इस हेतु केंद्र सरकार से 285 करोड़ रुपए मिलेंगे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सेफ्टी कार्यक्रम इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और छतरपुर में लागू होगा। भोपाल में यह पहले से ही चल रहा है। कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग महिला और बच्चियों को आत्मरक्षा की प्रशिक्षण देगा। शर्मा ने बताया मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को UGC के मापदंड के अनुसार 7वां वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन टीचर कॉलेजों में पूरा समय दें, इसके लिए नियम भी बनेंगे। कैबिनेट ने 4 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पदों की भी मंजूरी दी। डायल 100 योजना 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह अवधि 27 सितंबर 2019 को समाप्त हो रही थी। योजना के लिए नए सिरे से टेंडर करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। ये है कि जो बारिश हो रही है, इसके हिसाब से जो एक चीज़ है कि ये खाद और बीज, इसकी जो आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में होगी, उसका असेसमेंट कलेक्टरों के माध्यम से कराना है प्रभारी मंत्रियों को। ये चीज़ जिससे कि जब रिक्वायरमेंट आए तो उसकी कमी ना पड़े, ये एक मुख्य मुद्दा था। और जहाँ भी ये अति वस्ती हुई है वहाँ जिले लेवल पर उन सबका आकलन किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू किए गए 10% सवर्ण आरक्षण से संशोधित स्वरूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मिल पाएगा। कैबिनेट ने छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी में चल रहे सेक्स रैकेट के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। काफी समय से स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर में अवैध तरीके से सेक्स रैकेट चलने की शिकायतें सामने आ रही थी। ऐसी ही एक शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस के सहयोग से एक स्पा सेंटर में छापामार कार्रवाई की तो अंदर का मंजर देखने पर सबके होश उड़ गए। स्पा सेंटर की सच्चाई का पता करने के लिए पहले पुलिस का एक अफसर और DCW का स्टाफ कस्टमर बनकर 18+ ब्यूटी टेम्पल के नाम से चल रहे स्पा में गए और जब सेक्स रैकेट चलने की बात पुख्ता हो गई तब बाहर खड़ी दिल्ली क्राइम ब्रांच और महिला आयोग की टीम को अंदर बुलाया गया। जब छापा पड़ा तो अंदर का मंजर चौंकाने वाला था। इस स्पा सेंटर के तलघर में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और इस तलघर का दरवाजा बटन दबाने से खुल रहा था। जब टीम तलघर में पहुंची तो अंदर आपत्तिजनक अवस्था में कई युवक युवतियां मिले, आपत्तिजनक सामग्री मिली। जब युवकों से पूछा गया तो खुद को कस्टमर बताया। आपको बता दे कि बुराड़ी के इस स्पा सेंटर के बारे में पता चलने के बाद स्वाति ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से संपर्क किया था। इसके बाद DCW की टीम और पुलिस के साथ वे लोग स्पा सेंटर पहुंचे थे। सतना से 4 दिन पहले अगवा किया गया किसान अवधेश द्विवेदी आज सुबह सकुशल अपने घर पहुंच गया। पिछले शनिवार को डकैत बबली कोल गिरोह ने उनका अपहरण किया था और 50 लाख की फिरौती मांगी थी। अब यह खबर आ रही है कि किसान के परिजनों ने 6 लाख रुपए डकैत बबली को दिए और उसके बाद उसे छोड़ा गया, जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस के दबाव के चलते डकैत बबली कोल ने किसान को छोड़ दिया है। सतना से किसान के अगवा होने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस हरकत में आ गई। खुद रीवा रेंज के IG, DIG और SP ने इलाके में डेरा डाल दिया। पुलिस की अलग अलग टीमें किसान की तलाश में जंगल में उतर आई, लेकिन 100 घंटे बीत जाने के बाद भी किसान का पता नहीं लगा पाई और आज अचानक किसान अवधेश द्विवेदी अपने घर पहुंच गया। ऐसी जानकारी आ रही है कि किसान के परिवार ने डकैत बबली कोल को 6 लाख रुपए फिरौती दी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि दबाव बढ़ने के कारण डकैत गिरोह ने अवधेश को छोड़ दिया है।
डकैत बबली कोल ने शनिवार के दिन किसान अवधेश द्विवेदी के घर धावा बोला था। डकैत रात 3:30 बजे किसान के घर पहुंचे और पहले उनके नौकर को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद डकैतों ने नौकर पर दबाव बनाया कि वो घर का दरवाजा खुलवाए। नौकर के आवाज लगाने पर किसान अवधेश ने जैसे ही दरवाजा खोला, डकैत ने उसे अगवा कर लिया। किसान का अपहरण करने के बाद बबली कोल गिरोह ने किसान के परिवार को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। इसके बाद से ही रीवा रेंज के आईजी चंचल शेखर, एसपी रियाज इकबाल ने डेरा डाला हुआ था। सतना पुलिस की 6 टीमें लगातार जंगलों की सर्चिंग कर रही थी, लेकिन पुलिस को बबली कोल कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। सर्चिंग में यूपी पुलिस की भी मदद ली गई थी। ऐसे में बबली ने बंदूक दिखाते हुए अपना एक वीडियो भी वायरल किया था। बताया जा रहा है कि फिरौती की रकम देर रात पहुंचने के बाद डकैत बबली कोल ने किसान अवधेश द्विवेदी को छोड़ दिया है। ऐसे में पुलिस के खुफिया तंत्र और एंटी डकैत स्पेशलिस्टों की पोल खुल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना होमवर्क किए ही टीम सबसे कुख्यात इनामी डकैत को पकड़ने के लिए जंगल में उतर आई थी। 100 घंटे तक जंगल की खाक छाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे और किसान फिरौती की रकम देकर घर लौटा। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने तुगलकी बताया है। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक लोग जुर्माना भर पाए ये संभव नहीं है। भारी भरकम जुर्माने को लेकर इसका हर जगह विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में इसे अभी लागू ही नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को तुगलकी बताते हुए कहा कि इस एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं करने पर जो जुर्माना वसूला जा रहा है उसका बोझ आम आदमी नहीं उठा सकता है। ऐसे में मैं इस विषय पर मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करूंगा और जहां जरूरत होगी वहां आम आदमी को राहत पहुंचाई जाएगी। कह रहा हूं कि सरकार ने बतरीजी आदेश जारी किया था, वो सोच समझ कर नहीं किया गया। जनता पर एक ग्राहक की 20,000 की गाड़ी है और 20,000 का जुर्माना हो जाएगा तो वो तो गया काम से। तो अधिकांश लोग हमारे यहाँ कोई भी एक्ट लागू करने के पहले धीरे धीरे उसकी मानसिकता बननी चाहिए। आज अगर कोई बच्चा घर पर कागज भूले आया, दस्तावेज भूले आया, उसे 5,000 का जुर्माना लग जाता है। तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, लेकिन मैं जल्दी ही जो हमारे तरफ से होगा, जो हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से होगा और सरकार की तरफ से हम विचार कर रहे हैं, तो जल्दी इस पर जो भी संभव होगा जुर्माना कम करके हम लागू करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पर सवाल खड़े किए हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि इतनी बढ़ा दी है कि जो लोगों के बूते से बाहर है, इसीलिए फिलहाल इसे प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए अन्य राज्यों के फॉर्मेट पर अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञों से राय लेने के साथ ही विधायकों और आम जनता से भी इस मामले पर चर्चा की जा रही है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को फिर घेर लिया है और निशाना साधते हुए कहा है अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। प्रदेश के किसान तबाही की कगार पर है। सरकार के मंत्रियों को खेतों में जाकर समस्या देखनी चाहिए, लेकिन मंत्री घर में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। शिवराज ने ट्वीट करके किसानों के बीच जाने की मंत्रियों को सलाह दी है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के मंत्री घर में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं और उधर अतिवृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, किसान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, मगर कमलनाथ के मंत्रियों को फुर्सत नहीं है किसानों के बीच में जाने की। कमलनाथ के मंत्री घर में बैठकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बूट पहनकर किसानों के खेत में गया। मंत्रियों को मुझ पर आरोप लगाने के बजाय किसानों के बीच में जाना चाहिए। मैं तो किसानों के खेत में जा रहा हूं, चाहे भले ही बूट पहनकर मुआवजे की मांग कर रहा हूं। कमलनाथ के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, मुझ पर आरोप लगाने के बजाय घर से निकलें तो अधिकारी भी काम करेंगे। मुझे चाहे भले ही गालियां दें, मैं तो उनका सब्जेक्ट हूं, लेकिन काम तो करें। शिवराज ने इस पूरे मुद्दे पर एक ट्वीट भी किया है। अतिवृष्टि के कारण प्रदेश का किसान आज तबाही के कगार पर पहुंच गया है। कई गांव और शहर ऐसे जहां गरीबों के घर गिर गए, आशियाना उजड़ गया है और किसान की फसलें सड़ गई है। सोयाबीन, उड़द, मूंग, सब्जियां, एक नहीं अनेकों फसलें तबाह और बर्बाद हो गई। लेकिन कांग्रेस के मंत्री घर बैठे बैठे कह रहे हैं कि शिवराज सिंह बूट पहन के जा रहा है। कुछ तो शर्म करो, ड्यूटी आपकी थी, मंत्री आप हो, घर में बैठे बैठे केवल हम बातें कर रहे हैं। खेतों में आपको उतरना चाहिए, फसलें आपको देखना चाहिए, राहत मुआवजे की मांग आपको करना चाहिए, आप केवल मेरी आलोचना में लगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार में 8 महीने भरपूर काम किए गए हैं, वहीं देश में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश इस समय भयानक मंदी के दौर से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार की 8 महीनों की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं, कांग्रेस अपने वचन निभा रही है। रीवा की जिला कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के 8 माह पूरे होने के अवसर पर उपलब्धियों को गिनाया। कांग्रेस प्रवक्ता शहयार खान ने बताया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 महीनों में ऐसे ठोस, दूरदर्शी, ऐतिहासिक और लोक कल्याणकारी फैसले किए हैं जिनसे प्रदेश मंदी की मार से अछूता रहा। कांग्रेस को जब अवसर मिला था तब खजाना खाली था। इस खाली खजाने के बाद भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपने शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर ही किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत कर दिए थे। देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने गर्त में पहुंच गया है, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज बिल्कुल चरमरा गई है, बढ़ती देश में बेरोजगारी की दर आज जो है पिछले 45 साल के सबसे उच्चतम दर पे है, लगभग 9%, और हमारी केंद्र सरकार उसके बावजूद बंसी बजा रही है और हमारे प्रदेश में भाजपा के नेता घंटी बजाओ का पाखंड कर रहे हैं। इन 15 वर्षों में कभी आपने नहीं देखा होगा सीएस के साथ 4 PS आए, एक आदरणीय कोई सीएस आए थे रीवा में, लेकिन वो पर्दे के पीछे अपने पारिवारिक कामों को लेके आए थे, आपको विधिवत जानकारी है। लेकिन पहली बार इन 6 महीनों के अंदर 4 CS 4 PS एक साथ आके रीवा और शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक की, तो कार्य दिख रहे हैं और कार्य आपको भी दिख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि रीवा जिले के जनमानस को भी वो कार अच्छे दिख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, आए दिन इंडस्ट्री बंद हो रही है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रुपए की कीमत रसातल में पहुंच चुकी है, GDP धराशायी हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, सार्वजनिक सेक्टर खस्ताहाल है और बढ़ती बेरोजगारी से देश में कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं और उनका जीना दूभर हो गया है। ऐसे में लोगों ने बारिश को रोकने के लिए एक टोटके का इस्तेमाल किया है और मेंढक मेंढकी का तलाक करवा दिया। इससे पहले अच्छे मानसून की कामना को लेकर इन्हीं लोगों ने मेंढक मेंढकी का विवाह कराया था।
हमारे समाज में हर काम के लिए कोई ना कोई टोटका मौजूद है। भारी बारिश से परेशान लोगों ने सारे जतन कर लिए, लेकिन बारिश से निजात नहीं मिल रही। बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। ऐसे में लोगों ने बारिश रोकने के लिए मेंढक मेंढकी के तलाक की रस्म को भी पूरा कर लिया। मान्यता है कि मेंढक मेंढकी के विवाह से इंद्र देवता प्रसन्न होकर बारिश करवाते हैं, और मेंढक मेंढकी का विवाह विच्छेद किया जाए तो इंद्र देवता उस इलाके से नजरें मोड़ लेते हैं और बारिश रुक जाती है। यह पहला मौका है जब भरपूर बारिश के बाद लोगों ने विधि विधान से मेंढक मेंढकी का तलाक करवाया। प्रदेश और भोपाल में अच्छी वर्षा के लिए 19 जुलाई को विधि विधान के साथ मेंढक मेंढकी का विवाह कराया था ताकि प्रदेश में अच्छी वर्षा हो, और 19 जुलाई से लेकर अभी तक प्रदेश में लगातार रुक रुक के अच्छी बारिश हुई, जिस कारण डैमों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है, बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उसको देखते हुए हमने इंद्र देवता को मनाते हुए उन दोनों मेंढक मेंढी को अलग करने का निर्णय किया है। इस साल भी जब मानसून की अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी तो जुलाई में इन्हीं लोगों ने मेंढक मेंढकी का विवाह करवाया था, जिसके बाद बारिश का जो सिलसिला चला तो वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मानसून से परेशान होकर लोगों ने मेंढक मेंढकी को विधि विधान से अलग करवाया। इसके लिए भोपाल के इंद्रपुरी में खास आयोजन किया गया। तीन युवकों ने शराब ठेकेदार पर गोली चलाकर जान से मारने का प्रयास किया था। इन आरोपियों ने इलाके में दहशत फैला रखी थी। इन दहशतगर्दों से इलाके के लोग परेशान थे। पुलिस ने आज इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसी इलाके में इनका जुलूस निकाला जहां ये दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। इन तीनों आरोपियों से नारे लगवाए, गोली चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। छतरपुर में कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड की शराब दुकान के ठेकेदार पर कट्टे से फायर करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ठेकेदार को जान से मारने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों का पुलिस ने गोली चलाने वाली जगह पर पैदल जुलूस निकाला और आरोपियों से गोली चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है के नारे भी लगवाए। बताया जा रहा है कि आरोपियों की दहशत लोगों में कम करने और आरोपियों पर पुलिस की दहशत बनाने के लिए जुलूस निकाला गया। पुलिस का यह कहना है कि आए दिन हो रही फायरिंग की घटनाओं पर इससे कमी आएगी। पकड़े गए सभी आरोपियों पर थानों में पहले से भी मामले दर्ज थे। रवि यादव और अमित शिवहरे, इन तीनों ने मिलकर वहाँ पर अमित जो कुणाल राय हैं ठेकेदार, इनके ऊपर इनको जान से मारने की नियत से इनके ठेके पर गोली चलाई, जिससे इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर धारा 307(34) के तहत कार्यवाही की गई। टीकमगढ़ पुलिस ने महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। महिला का कत्ल उसके पति की दूसरी पत्नी ने किया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने सर पर डंडा मारकर हत्या की थी और ऐसा दर्शाया था कि सीढ़ी से गिरकर महिला की मृत्यु हुई है। अंधे कत्ल का खुलासा करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। टीकमगढ़ में बमोरी कला थाना पुलिस ने महिला सखी बाई साहू के अंधे कत्ल का खुलासा किया है। बीते दिनों महिला सीढ़ियों के नीचे मृत अवस्था में घर में मिली थी और उसके सर पर चोट के निशान थे। पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कुछ बिंदु ऐसे निकलकर सामने आए जिसने मृतिका सखी बाई की मृत्यु को संदेह के घेरे में डाल दिया, जिसके बाद संदिग्धों से गहनता से पूछताछ की गई। मृतक की पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने सिर में आई चोट के कारण मृत्यु होना बताया था। 5 सितंबर को बमरी कला की चौकी कनेरा में सूचना आई थी कि अतवास गांव में एक महिला है सखी बाई, उसका शव उसी के घर में खून से सना हुआ पड़ा हुआ है। मौके पे पुलिस पहुंची थी तो उस वक्त पुलिस को ये बताया गया था कि ये संभवतः सीढ़ियों से गिरने के कारण एक्सीडेंटल इसकी डेथ है। पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया और साथ ही साथ इनकी जो हिस्ट्री थी पुरानी पारिवारिक हिस्ट्री उसको निकाला और उस दिन जो इन्होंने अपना मूवमेंट रखा उसको चेक किया। तो जो कंप्लेनेंट के द्वारा शुरुआत में बताया जा रहा था उसमें विरोधाभास और ज्यादा क्लियर आके दिखने लगा। इसी में पुलिस ने जो परिवार के लोग थे उनसे सखी से पूछताछ करी। सखी भाई जो मृतिका है उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी बेनी भाई, उसने कबूल कर लिया कि उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई, परंतु पुलिस ने जब साक्षियों से उसको क्रॉस किया तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और उसकी निशानदेही पे हत्या में उपयोग में लाए गए डंडे को भी हमने जब्त किया। पुलिस ने जब बाबूलाल कुशवाहा की दूसरी पत्नी बेनी बाई से सख्ती से पूछताछ की
तब उसने बताया कि 4 तारीख को उसके परिवार के सभी लोग पलेरा जा रहे थे। सखीबाई घर पर ही थी तब वह रास्ते से खीर का डिब्बा भूल जाने की कहकर वापस आ गई थी और घर पर सखीबाई और बेनीबाई के बीच विवाद हो गया था। गुस्से में बेनीबाई ने सखीबाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया जो नीचे फर्श पर गिर गई। उसके बाद बेनीबाई ने नीचे आकर सखीबाई के सिर में डंडे से वार किया और सखीबाई को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गई थी। महिला की मौत अधिक खून बह जाने के कारण हुई। काला कड़कनाथ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की गरीबी दूर कर सकता है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय ने 2020 तक 1,00,000 चूजे मुफ्त वितरण करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान की पोषित आदिवासी परियोजना के तहत इसका वितरण होगा। परियोजना का एकमात्र उद्देश्य आदिवासियों ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र से लगभग 5,000 चूजों का वितरण 61 हितग्राहियों में ट्रायल के रूप में किया गया था। मां बम्लेश्वरी देवी स्व सहायता समूह की 50 आदिवासी महिलाओं को कुक्कुट आहार, मुर्गी दाना, पानी के बर्तन, दवा का वितरण किया गया था। यह कड़कनाथ का पालन बृहद रूप ले चुका है, इन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंचल के मौसम में कड़कनाथ में पूरी तरह सर्वाइव करने की क्षमता है। लक्ष्य के आधार पर किसानों को चूजे देने के लिए हेचरी मशीन लगाई गई है। इसमें अंडों से चूजे तैयार किए जाते हैं। हर आदिवासी को 5 चूजे दिए जाएंगे। कड़कनाथ मुर्गी अंडे देने के बाद उसे सेती नहीं है, इससे चूजे तैयार नहीं हो पाते। मशीन से लगभग 21 दिन में अंडे से चूजे तैयार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कड़कनाथ का पालन कर किसानों ने आमदनी बढ़ाई है। कड़कनाथ अन्य मुर्गों की तुलना में तिगुने दामों में बिकता है। इसकी कीमत 600 से 700 रुपये प्रति किलो होती है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन गुरुवार को अनंत चतुर्दशी चल समारोह और प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ सम्पन्न हुआ। गणपति बाप्पा मोर्या अगले बरस तू जल्दी आ और गणपति के जयकारों के साथ हजारों की तादाद में झांकियां निकाली गई, जहां एक तरफ घरों में लोगों ने गार्डन और बाल्टियों में छोटी मूर्तियों का विसर्जन किया, वहीं नगर निगम ने जगह जगह पानी से भरे बड़े पात्र सड़क किनारे रखे जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार विसर्जन कर सकें। झांकियों में बैठे गणेश जी का विसर्जन शाहपुरा, प्रेमपुरा और बैरागढ़ के घाटों पर किया गया। प्रतिमाएं भदभदा स्थित प्रेमपुरा, खटलापुरा, बैरागढ़ आदि घाटों पर भी विसर्जित की गई। नगर निगम द्वारा शहर के सभी वार्डों के प्रमुख चौराहों पर बड़े झांकी पंडालों समेत करीब 200 स्थानों पर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विसर्जन पात्र रखे गए। विभिन्न समाज व संस्थाएं भी विसर्जन पात्र रखी। रात में ही पंडालों में हवन पूजन शुरू हो गया था और सुबह से ही सड़कों पर गणपति बाप्पा मोर्या के जयकारे के साथ लोग विघ्नहर्ता के विसर्जन के लिए निकल पड़े। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द राज्य में लाना चाहते हैं। इसी संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का पत्र आना हुआ। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गांव की सबसे छोटी इकाई आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता की और मितानिनों की एक कार्यशाला ली, जिसमें उनको बीमारी फैलने से पहले की एहतियात, बीमारी के मौसम में गांव की सतत निगरानी, बीमारी की अवस्था में प्राथमिक उपचार और उप स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय से सतत संपर्क कैसे बनाया जाए, इसके लिए जानकारी दी। मंत्री सिंहदेव ने ब्लॉक मेडिकल अफसरों एवं संभाग के सीएमओ की भी एक बैठक ली, जिसमें उन्हें अस्पताल की छोटी से छोटी जरूरतों एवं हर तरह की दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और निचली इकाइयों के हम सब मिलके चिंतन कर रहे हैं कि कैसे कुछ तुलनात्मक सरल उपायों से बड़ी संख्या में जाने बचाई जा सकती, अपने बच्चों की जाने, अपने बीच में निवास करने वाले नागरिकों की जाने, और ऐसे उपाय से जिनको दुनिया ने मान लिया है कि बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी ही आपको नहीं होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।